Hi. Hello. Hi. Good morning and welcome back to our channel, everyone. Hi. Whose birthday is today, Mama Singh? Whose birthday is today? Me. Oh, what we gonna do? Let's do this, Mama. Oh, you want to just do this? Yes. Okay. Okay. हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग. आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत 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 ज़्यादा काम. सुबह सुबह उठ के ये दोनों बाहर खेलने चले गए हैं. 7 बजे हुए हैं सुबह के और मैं जग गई हूँ. यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है तो खीर यहीं पे रख दी थी मैंने, क्योंकि फ्रिज में नहीं आएगा इतना बड़ा पतीला, तो इसीलिए अभी चलता है किचन की ओर. और मैं अभी क्या कर रही थी, तो मिर्च का अचार मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह ही ख़त्म कर दूँ. तो मिर्ची कट कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे सारे वेजिटेबल और सब कुछ रेडी कर दिया है. यहाँ पे ये भी बाहर निकाल दिया है. अभी और वेजिटेबल मैं निकालूंगी, पर अभी फिलहाल इतने निकाले हुए हैं. यहाँ पे मूंग मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि मूंग का सैलेड करना है, बॉयल मूंग का. वो मैं शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ वो. और यहाँ पे जो है दही जमाया था वो भी जम गया है. दही भी जम गया है. तो क्या है ना कि वीडियो करते करते काम करना थोड़ा मुझे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दूँ, तो उस हिसाब से मैं सब कुछ मेरा प्रिपेयर हो जाए. यहाँ से पीछे बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे हैं ना, तो देखने में भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे. चलिए अभी स्टार्ट कर देती हूँ मैं. पहले तो अचार अपना फटाफट ख़त्म कर देती हूँ बनाना. तो यहाँ पे अचार के लिए मिर्ची ले ली है मैंने. रेड मिर्च भी थी मेरे पास, तो वो भी कट के डाल दी है. और गाजर भी कद्दूकस करके डाल दिया है. तो इसमें अचार मसाला और ऑयल गरम करके डाल दूंगी, और ये हो गया रेडी. चलिए ये हमारा अचार भी रेडी हो गया है. तो यहाँ पे हमारी खीर भी बहुत अच्छे से रेडी है. क्यों लगी मैं बनाई है ना, वो मस्त बनाई ना हमारी रेसिपी. तो ले मासूम से ना. तो ये यहाँ पे उंधिया का जो ग्रीन मसाला था ना, वो रेडी करने जा रहे हैं. तो पीनट तिल और जिंजर और चिली इतना डाल दिया है. अभी धनिया डाल देती हूँ और इसको पीस लेना. तो अभी डाला है सॉल्ट, धनिया पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और इसको पीस लेना है. दीदी कब ही सो जाओ. हैप्पी थैंक यू हैप्पी फादर्स डे. हाँ कौन कौन थे आदि, तुझे आदि नु पर नाम थे हमारा. हाँ आदि सीधा हूँ. अरे वाह, स्क्रैच करो. हैप्पी फादर्स डे. ओ स्क्रैच करवानो छे. પછી સ્ક્રેચ દીદી દીદી ગુસ્તિક લે આવ બાત નહીં જો થઈ જાય છે જો. વાવ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ન્યુ શિવાંશ. હા હોલા એન્ડ દીદી એના અંદર નાઈસ. અરે વાહ દીદી સુપર ડેટ છે. हाँ है आदि. या ओ यू वर इन पॉ पेट्रोल. यस ये सुपर डैड. थैंक यू शिवो. वेलकम दीदी. ओपन करो अंदर सुन सरप्राइज. ओह वाओ कितने बहुत लाइक खुशी हुई. फ्रॉम शिवांश एंड आदि, वी बोथ लव यू सो मच एंड वी होप यू विल स्टे विद us forever. Wow, કેટલો મારો દીકો ડાયો છે શિવ. શિવ જોય આદિ નું નામ લખું. જાદી દે હે. શિવાંશ તારું નામ ભી લખું જોયું. That's A and A and D and I. That's Audi. 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 સર માય ગયો. ઓકે યહાં પે ગિરીશ ચોપિંગ બોર્ડ કે સાથ મેરી હેલ્પ કર રહે હૈ. આજ તો ગઈ બધી સબ્જી. काम काम. हाँ क्योंकि वो मूंग का जो सैलेड बनाना है ना, उसके लिए चॉप हो रहा है. तो सारे वेजिटेबल जितने भी है वो डाल सकते हैं, आई मीन खा सकते हैं कच्चे. वैसे टमाटर, कैप्सिकम डाला है, कैबेज डाली है, और क्या काटा आपने, कुकुम्बर और शिमला मिर्च तो मैं बोल दिए. फिर उसमें इसके अंदर जो मूंग है ना भिगोए हुए, वो बॉइल करके इसके अंदर डाल देने हैं. उसके बाद मिर्ची की पेस्ट डाल देनी है, सॉल्ट और पेपर. दैट्स इट. यो ओ माय गॉड गिरीश एवरीथिंग डाउन. थोड़ा तो थसे जाता मां. नो वरीज डू इट. और यहां पे मैंने दाल भी चढ़ा दी है. अभी मैं बनाने जा रही हूं उंधियू. चलिए उंधियू बनाना स्टार्ट करते हैं. तो उंधियू खाने में तो उंधा पड़ी ना. रियली
मुझे सारी सब्जी काट दी है, थोड़ी बहुत काटी है यहाँ पे है और बाकी सब दूसरी जगहों पे है। यहाँ पे ऑयल रख दिया है और यहाँ पे है पापड़ी और यहाँ पे भूख लग चुकी है भाई को, हमारे बड़े बेटे को। यहाँ पे तेल रख दिया है तो इसमें भी जाएगा अजमा और जाएगी थोड़ी सी हिंग और जाएगी सूखी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अभी डालनी है। हमारी जो ये पापड़ी है ना वो तो वहाँ पर दो मिल गए, फिर जैसे हॉल में हम लोग गए तो वहाँ पर तीन चार मिल गई। ओके, वो लोग बहुत अच्छे बोलते है, दो तीन कमेंट लोग देखते है, हमको बहुत मजा आता। कल दो तीन कमेंट भी आए थे की गिरीश भाई आने वाले है, आप लोग आने वाले हो डायरी में, क्योंकि आपका पता होता है ना कि ये सब कुछ पसंद है, तो इसीलिए गिरीश को ये डायरा वगैरह बहुत अच्छा लगता है। कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गई। यो फर्स्ट मैं लाइव देख रही थी यहाँ पे। मैं तो पहली दफा ये लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है। अच्छा? कभी नहीं किया था। ये डिफरेंस बहुत होता है लाइव सुनने में और जो रिकॉर्डिंग होता है ना वो सुनने में। हाँ वो बात है। मैं यहाँ पे लाइव देख रही थी, वो किसी ने किया हुआ था ना, तो घर पे बैठे बैठे देख रही थी, थोड़ा देखा था, फिर उसके बाद बच्चे सो गए थे तो मैं भी सो गई थी, पर हाँ सबने सब लोग एंजॉय कर रहे थे वो देख रही थी मैं। ये पापड़ी जो है वो पक चुकी है, 70% पक चुकी है पापड़ी, तो अभी डालेंगे ये ग्रीन पेस्ट जो मैंने बनाई थी ना अभी, वो उसमें क्या क्या डाला था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो ये अभी डाल देनी है इसके अंदर। तो अभी ये ग्रीन जो मसाला है वो भी मिल गया है, तो अभी जो वेजिटेबल सारे कट किए थे ना जितने आए उतने मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर उसमें बाद में मैं दूसरे कुकर में कर दूंगी। है पीस और फणसी मैंने जो कल काटी थी ना, चौड़ी होती है ना वो, फणसी तो नहीं है ये चौड़ी है, तो ये भी डाल देती हूँ इसमें। इसके लिए मुझे दूसरा कुकर करना पड़ेगा, ये कुकर में जितना आए ना उतना मैं कर देती हूँ अभी। अगर कुकर में आपको नहीं करना है और खुले में करना है तो ऐसे करके ये सब्जी सारी फ्राई करनी है फिर होना करना है ऐसा, तो उसके लिए कुकर नहीं चाहिए होगा, और अभी कुकर में मुझे थोड़ा क्विक करना है इसीलिए कुकर। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, अभी मिला लेते हैं अच्छे से। तो अभी ये हो चुका है, मिल चुका है, मैं अभी गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा पानी डाल दिया है तो अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे ये सब्जी हो गई है और अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है पतीला अगेन, ये दूसरी बार तड़का लगाना है वो जो मुठिया है ना किए हुए वो मिलाने के लिए, तो ये फिर से यहाँ पे इसमें मैंने तड़का लगा दिया है, थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि अभी मैं डाल दूंगी जो मुठिया बनाया है ना वो, तो इसीलिए अच्छे से पहले इसको उबलने देना है उसके बाद डालना है, फिर ढक देना है, फिर हो जाएगा इसमें। बस मैं एक ही चीज़ डालना अभी रह गया है, उंधिया का जो मसाला आता है ना वो, तो अभी वो डाल देती हूँ। तो अभी इसके अंदर उसके बाद सॉल्ट और नींबू और थोड़ी सी शुगर डाल दी थी, थोड़ी सी शुगर डाली, बस इसमें अभी धनिया ही डालना है ग्रीन, वो अभी एंड में डालूंगी, अभी डालूंगी तो कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी दाल भी रेडी है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मूंग बॉईल करने के लिए रख दिए हैं ताकि ये मूंग का सैलड है ना वो बन जाए। यहाँ पे बर्थडे की तैयारी बहुत ही अच्छे से जा रही है, बलून फुलाए जा रहे हैं, डेकोरेशन हो गया, ये देखिए कितना अच्छे से बलून फुलाए है। यहाँ पे गिरीश रेडी होकर जा रहे हैं केक कलेक्ट करने के लिए, लंच रेडी हो गया है, बर्थडे बॉय अभी रेडी नहीं हुआ। आदि वेयर योर क्लोथ्स, यू नीड टू गेट रेडी। તને બહુ ફાવા માંડો હે ને આદિ, તે શું પહેર્યું છે કપડામાં, આમાં શું છે? ડાયનો ડાયનોસોર, એના એના રાઈટ બેટમેન, એના રાઈટ ફૂટ પર આદિ ના ઓલો ડાયનોસોર સ્કેલ છે, ઓ યસ, એના શોર્ટ્સ માં હે ને, નાઈસ। મેં કપડે ચેન્જ કરકે સબ કુછ ના ધોકે રેડી હો ગઈ હું, યહાં પે ગ્લાસ હે ના ઉસી મેં દેખ લો, और अभी हेयर वेयर सब कुछ करना बाकी है, और यहाँ पे सब कुछ रेडी, अभी बलून थोड़े बहुत फुला है, और यहाँ पे जो है मूंग का सैलेड भी रेडी है, जो बॉईल किए हुए थे ना मूंग वो डाल दिया है, उसके अंदर चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब थोड़ा सा डाल दिया है, बस तक से। आज डायरा बता बहुत पता नहीं बोलते विजय भाई, आशीष, आशा बहन, राजू भाई, आशीष अभी क्या
बड़े ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे बच्चे बच्चे सब खेल रहे हैं। हाय शिवो लोग डायरो तो पण बो चाहिए लो आपने तो। एक्शन कैमरा एक्शन। हां राज भाई केम उभा થઈ ગયા? ઓ પણ આપણે ગરબા કરવા છે તો સાઉન્ડ પર લેતો હું। ઓકે ગરબા કરવા ના હોનો આસિસ્ટન્ટ। ઓકે સ્પીકર લેવડાવા। ઓરાઈટ અંકલ। ઓરાઈટ ઓરાઈટ ઓરાઈટ। હેલો હેલો કિશુભાઈ। હાય। બધા કે હું તને કિશુભાઈ કેમ કહું છું, પણ એવું છે કે નાના છો બધા આપણે બીજા તારા નાના ભાઈઓ તને કિશુભાઈ કહે ને એટલે બાર જો એક કે કહાન શિવાન શાદી બધાય। હા એટલે મારાથી નહીં કિશુભાઈ બોલાય જાય, ગિરીશે કિશુભાઈ કે સાક થઈ ગયા બે બાજુ જીત એટલે ડન રાજુભાઈ મારી સુતો છે સુઈ ગયો। હા હું એને ઉઠાડ્યો। ઓકે થેન્ક યુ વેલકમ। बर्थडे बॉय हुई गयो अने बर्थडे पार्टी स्टार्ट थई गई छे। शिव आउट थई गयो। બરાબર છે સાચી મજા મ્યુઝિક આવે ચાલે ઓકે તો અભી એન્જોય કરને કી બારી હમારી આ ગઈ હૈ યહાં પે। યુ વોન્ટ ધેટ? ફંક્શન બહુ મોટા પર આવતો છે એટલે તાર મમ્મા કહી દીધી કે અહીં આવતી રહે તો તને સારું પડે ને। હાય હાય આર યુ ઓકે? યસ આર યુ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ ટુમોરો? હા એ તો બહુ ગમે તો આવ કરાય તો મને મને છોકરીઓ છે ને અહીં આવે તો બહુ મજા આવે હે તમને તો બેસીને એટલે લોકો પાછળ હાય ગટુડી એન્ડ હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? તમ જબ બેન મે કરતે હો હે હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? No, you need to speak. How are you? Are you okay? Listen to me. Listen to me. चलो आ जाओ सब। I guess tissue भी चलो। चलो। આદિને લેજે ચાલો ચાલો કાઉ લઈ ગયા આ ટેબલ નાનું પર છે પેલું ચાલો આદિને કેવું થાય સાહેબ બરાબર મુકે મંત્ર। વેટ 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 ઓકે ગોન આવી જાવ બધા ઉપર જો શો કરું છું બટે શો ઉપર બેઠો ગહન બા આ બાજુ પર જાય then do you myself कर देता। yeah you can do yourself। happy
જો કેટલા એન્જોય કરે છે બધા. ઓ ઓકે મંત્રણ આવી ગયા.